So I'm all set for this festive season. हाई दिस इज दीप्ति, वेलकम बैक टू माई चैनल. आई होप यू ऑल डूइंग वेल. धीरे धीरे करके ना मैंने बहुत सारे टाइप की ज्वेलरीज परचेज करी. पहले भी मैंने जो है एक हॉल वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने शेयर करा था गोल्डन ज्वेलरीज, जो कि थोड़ी सेमी प्रेशियस भी थी, थोड़ी लाइक इंट्रिकेट ज्वेलरीज भी थी. सो नाउ टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर ऑक्सीडाइज्ड एंड अफगानी ज्वेलरी इन बजट. सो दिस इज नवरात्रि स्पेशल ज्वेलरी हॉल. तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी सी गोल्ड पेस्ट ज्वेलरी, आई मीन जो कि चंकी है और नवरात्रि में बहुत ज़्यादा आपको अच्छी लगने वाली है. साथ ही अफगानी एंड ऑक्सीडाइज्ड, यस देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अफगानी ज्वेलरी एंड ऑक्सीडाइज्ड. ऑक्सीडाइज्ड में आपको मेटल से प्ले करते हुए बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे एंड अफगानी ज्वेलरी में थोड़े से बीज, थोड़ा सा कलर, थोड़ा सा एलिमेंट्स उसमें ऐड हो जाते हैं जो कि आपके ड्रेस से मैच करा के पहन सकते हो. ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी आप किसी भी आउटफिट के साथ पहन सकते हो. तो आज की जो ज्वेलरीज है ना, ये मैंने कुछ मीशो से परचेज करी है, कुछ मिंत्रा से परचेज, कुछ खुद मार्केट जा करके. तो दिस इज़ मिक्स्ड हॉल वीडियो, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है नवरात्रि स्पेशल वीडियो. यस, मेरे पास ना बैंगल्स नहीं थे. तो मेरे को प्रॉब्लम क्या होती थी कि मेरे पास कड़े कुंदन के सेट्स वाले वो सब तो बहुत मिल जाते थे, पर मेरे साइज़ की जो बैंगल्स है वो नहीं मिल रही थी. मुझे वेलवेट के जो बैंगल्स बहुत ज़्यादा समय से लेने थे, तो वो मैंने इस सीज़न परचेज़ किए. एंड यू वोंट बिलीव इट यार, मीशो थैंक यू सो मच. मुझे 270 रुपीज़ में सेट ऑफ 12 वेलवेट की बैंगल्स देने के लिए एंड आई स्टोर देम इन दिस नाइस पाउच. जो बैग है ना, ये पहले मैं इसमें अपनी ज्वेलरीज स्टोर करती थी, अपने जो सेट्स वगैरह होती है ना, लाइक गोल्डन वाली जो प्रीशियस ज्वेलरी. पर टाइम के साथ ना उसके जो जिप है वो ख़राब हो गए, तो मैंने उसको फेंक दिया. और इसके जो बीच में पार्टीशंस थे उसे भी कैचे से अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन तरीके से कट करके इसमें अब मैं अपनी बैंगल्स स्टोर करती हूँ. सो माय बैंगल्स लुक लाइक दिस. तो ये मुझे काफ़ी सही लगा, इसमें ऑलमोस्ट सारे कलर के बैंगल्स आ गए, तो मुझे बात बात में भागने की ज़रूरत नहीं होगी. अपनी सारी कपड़ों, अपनी ड्रेस के साथ, किसी के भी साथ आउटफिट के साथ ना मैच करते हुए मेरे पास बैंगल्स होंगी. और इनकी जो क्वालिटी है ये भी ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. एज़ यू कैन सी हियर, ये जो है आप वेलवेट है, काफ़ी शाइनी और अच्छा है. आप देख सकते हो इसमें आपको प्रॉपर कलर आपको यहाँ पे दिख जाएगा. ये जो है इसमें सारे शेड्स हैं, ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात लगी. आप अगर मार्केट में लेने जाओ तो वन पेयर ऑफ वेलवेट 60-70 रुपीज़ से नीचे आपको कोई भी बैंगल का सेट आपको नहीं देगा. एंड आई गॉट 12 सेट इन रुपीज़ जस्ट 270 एंड आई रियली लव इट. अच्छा, तो इन लोग इस बैंगल के सेट के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि इसका हैवी थोड़ा सा मेंटेनेंस है, क्योंकि ये जो है फैब्रिक ही है एक तरीके से. आप देखा जाए तो इसे बहुत अच्छी तरीके से इसको इस पर चिपकाया गया है, ठीक है. तो इसमें डस्ट या डर्ट बहुत जल्दी एक्युमुलेट हो जाता है, तो इसको स्टोर बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए ताकि आप हर सीज़न इसका जो है मिक्स एंड मैच करके यूज़ कर सके. इट इज़ लाइक एन इन्वेस्टमेंट, आप बार बार परचेज़ नहीं करना चाहोगे. एक बार आपने परचेज करके अपने पास रख ली, देन दिस इज़ kind of for एवर, डिपेंड अपन हाउ यू मेंटेन इट. तो मैं इसको इस तरीके के बॉक्स में रखती हूँ ताकि ये डस्ट एंड डर्ट दोनों से बहुत ज़्यादा सेफ रहे. और क्योंकि ये जो बॉक्स है ये थोड़ा सा कुशन्ड है, तो ये गिरने से ब्रेक नहीं होगा. हिज बैंगल्स आर मेड आउट ऑफ मेटल्स, उसके ऊपर जो है वेलवेट की कोटिंग की गई है, तो दे आर एनी वे सेफ एंड आई लव रीयूजिंग माई थिंग्स. नेक्स्ट मैं बात करने वाली हूँ दीज ज्वेलरीज, जो कि आप देख सकते हो थोड़ी सी गोल्डन है, थोड़ी सी अफगानी टाइप्स है. तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगी दिस वन. इसे भी पहन लूँ तो इट्स गुड वन, क्योंकि ये जो है लाइक ऐसे भी बहुत अच्छा लग रहा है. सिंगल वाला मैं पेयर करूँगी तो भी अच्छा. तो इसमें एक टिप है मेरी तरफ से, इसे जब भी आप परचेज करो वन साइज़ अप परचेज करना, ताकि आप इसके बीच में मिक्स एंड मैच करके जो है क्रिएट कर सको. ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि ये बिल्कुल लाइक थोड़ा बड़ा साइज़ है, लाइक ऊपर ये वाला डिज़ाइन है तो आपको एक साइज़ छोटी लेनी है. छोटी बिल्कुल भी नहीं लेनी है इसमें, बिल्कुल भी वो कुंडी, वो जो लाइक स्क्रू वाला जो होता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं है. तो ये आपको एक साइज़ अप लोगे तो दिस विल बी मोर कम्फर्टेबल. एनी ज्वेलरी की क्वालिटी आई जस्ट लव इट.
नेक्स्ट आई गॉट दिस स्पायरल वाला बैंगल, आप इसे बैंगल बोलो, कड़ा बोलो, कुछ भी बोलो, दिस इज़ सिल्वर टाइप। ये बिल्कुल भी अफगानी जैसी जो डार्क बेस ज्वेलरी होती है ना, डार्क हो जाती है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज़ सिल्वर काइंड ऑफ, एंड ये वाला जो मैंने आपको दिखाया ये भी वैसा ही है। आप इसको साथ में पेयर करके भी पहनोगे तो काफ़ी हैवी लुक जो है वो क्रिएट हो जाता है, एंड आई रियली फाउंड इट सो गुड। आप इसको मैंने साथ में पेयर किया है एंड दिस इज़ लुकिंग सो गुड एंड नीट। इसको आप लाइक हैवी लुक क्रिएट करना चाहते हो साड़ी के साथ या अपने लहंगे के साथ, आप डेफिनेटली कर सकते हो। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल है। दिस कॉस्टेड मी ₹50 एंड दिस ऑल्सो कॉस्टेड मी ₹50। सो ₹100 में ये हैवी हैंड वाला जो लुक है, लाइक हैवी ज्वेलरी वाला लुक जो है, मैंने क्रिएट कर लिया। और इसीलिए मैंने सोचा कि ये हॉल वीडियो मुझे ज़रूर बनाना चाहिए। इन सब के लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दैट। नेक्स्ट आई गॉट दिस ब्यूटिफुल पीस ऑफ हसली। ये मुझे काफ़ी इंट्रिकेट डिज़ाइन लगा, लुक एट द डिटेलिंग। ये मैंने अपनी दादी के पैरों में देखा था बहुत पहले, और आई रियली वॉन्टेड टू वेयर समथिंग लाइक दिस दिस नवरात्रि सीज़न। आई डिसाइडेड कि मैं ये ले ही लूँगी और मैं इसे पहनने वाली हूँ एनीवेज, ये साड़ी के साथ और लहंगे के साथ, मतलब लाइक आप जो नवरात्रि वाला जो आउटफिट होता है उसके साथ भी अच्छा लगता है। आप क्यूलॉट्स के साथ अगर इंडो वेस्टर्न पेयर करना चाहते हो, बनाना चाहते हो लुक, तो डेफिनेटली गो हेड एंड बाय दिस वन। दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट एंड आई रियली लव इट। पहले के लोग सिल्वर में बनाते थे, बट नाउ डेज सिल्वर प्राइस इज़ क्वाइट नॉट रीचेबल। तो इस तरीके की हैवी ज्वेलरी जो है बनाना इज़ थोड़ा सा लाइक सोच समझ के बनाने वाली बात होती है। तो आई लव दिस ज्वेलरी पीस, डेफिनेटली गो हेड एंड ट्राई दिस वन। ये जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा तो कमेंट डाउन बिलो। नेक्स्ट वन इज दिस ब्यूटिफुल हैवी इयर रिंग। ये वाला जो है इयर रिंग मुझे काफ़ी सही लगा। दिस इज़ रियली लाइट वेट। इस जितना ये दिखने में हैवी दिख रहे हैं ना, इतना हैवी ये है नहीं। इसे मैं पहन करके 5-6 घंटे आराम से डांस कर सकती हूँ। लाइक 5-6 घंटे तो ज़्यादा हो जाता है, पर लाइक 5-6 घंटे डांस कौन करता है, पर 5-6 घंटे तक इसको पहन करके मैं स्टैंड कर सकती हूँ मेरे ईयर को हर्ट किए बगैर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अगेन कह रही हूँ मिल जाएगा, तो डो नॉट फॉरगेट टू चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अच्छा, तो इसमें जो है हिंट ऑफ ब्लैक जो है इसको बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाता है। लाइक आई विल शो यू, ये जो है ये वाला जो ज्वेलरी दिखाया था ये आपको बिल्कुल सिल्वर टाइप की ज्वेलरी दिखती है, एंड दिस वन इज़ ब्लैक वन थोड़ा सा, और ये ही इसकी ब्यूटी है एंड आई जस्ट लव इट। नेक्स्ट आई गॉट दिस थोड़ा सा सेमी बिग, इसको बहुत बड़ा नहीं कह सकते, बहुत छोटा भी नहीं कह सकते। दिस वन ये बहुत ज़्यादा रनिंग है, आपको बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे दिखा होगा, हर जगह दिखा होगा, लाइक शॉपिंग में हर एक वेबसाइट्स पे, तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सोचा एक पीस मैं भी ले ही लेती हूँ, इट्स ओके। तो ये वाली जो ज्वेलरी है ना मुझे काफ़ी सही लगी, ये साड़ी के साथ बहुत अच्छा लगता है। वाइट कलर की आउटफिट हो, ब्लैक हो, कुछ भी हो, एनीवेज इसमें क्योंकि वाइट एंड ऑक्सीडाइज रहना तो ये किसी के साथ भी चला जाएगा। लाइक ये जो मैंने अभी पहना हुआ है ना, एक कट प्रिंट, इसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हो दिस लुक्स वेरी 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 ऑसम। अच्छा, तो इसके साथ प्रॉब्लम क्या थी ना, क्योंकि इसका मटेरियल ना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सस्ता वाला है, तो इसमें नीचे ना जंग लग गए थे। ये ज्वेलरी मेरे पास 1-2 महीने से है, तो मैंने पहले ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का हॉल नहीं बनाया था, दैट्स व्हाई आई केप्ट इट इन रिबॉक्स। तो ये वाला जो है ना ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। लाइक ये सन वाला जो पैटर्न बना हुआ है, लाइक बूंदे वाला, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। मुझे लंबे लंबे जो झुमके होते हैं ना मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, लाइक अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उससे मेरा नेक जो है वो ज़्यादा बड़ा दिखता है, लाइक लंबा लगता है ना। आई रियली लव वेयरिंग लॉन्ग झुमकास लाइक दिस। ये बहुत ज़्यादा ओवर साइज भी नहीं है, और बहुत, इफ़ यू वॉन्ट टू कंपेयर यू कैन सी दिस, दिस वन इज़ स्मॉलर देन दिस वन। तो मैं अपने बहुत सारे लुक्स जो है अलग अलग दिन 9 days क्रिएट कर सकती हूँ। नेक्स्ट वन आई गॉट दिस फ्रॉम मीशो। वो वाली ज्वेलरीज आपको दिखाई थी वो मिंत्रा से दिखाई थी, मैं बताना भूल गई। इन सब चीज़ों का जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है ना मैं नीचे बता दूंगी, मैं जस्ट ऐसे ही आपको सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। दिस वन आई गॉट इट फ्रॉम मीशो। इनकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, बॉक्स में दिया मुझे, लाइक इतनी सस्ती ज्वेलरी में आपका पैकेजिंग भी इंक्लूड कर रहे हो, दैट्स नेक्स्ट लेवल। तो ये जो है मुझे इस तरीके का रिंग बहुत समय से चाहिए था। ये जो है मिरर वाला है, लाइक आई डोंट वॉन्ट टू मेक यू ब्लाइंड, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से आपको दिखाती हूँ, ठीक है।
तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ये मेरे मेकअप मिरर का भी काम करेगा। आपके लिपस्टिक वगैरह निकल गई है या टचअप करना है, देन डेफिनेटली यू कैन गो अहेड एंड वेयर दिस काइंड ऑफ आप देख सकते हो मेरे 3 fingers ऑलमोस्ट इसने कवर कर लिया है एंड दिस लुक्स सो गुड, आई रियली लव इट। एक दो जो रिंग्स हैं जो मुझे ओवरसाइज बिग चाहिए थी, मैंने पहले भी मंगाया था पर वो ना अक्सर क्या होता है, या तो डैमेज पीस आता या स्क्रैच्ड आता या फिर साइज़ उतना मैचिंग नहीं होता या क्वालिटी गंदी होती। जो 30-40 rupees में मार्केट में मिलता है ना, इफ यू लिव इन मुंबई यू नो इट कि लोकल मार्केट में आपको 30-40 rupees में मिल जाता है, ये वो वाली क्वालिटी नहीं है, दिस इज़ गुड वन। ऑल दो इसका प्राइस जो है बहुत कम था, बिलो 100, पर फिर भी ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। एंड मिरर में आप देख सकते हो इसमें जो मिरर लगाया हुआ है ना, इसमें ज़रा भी स्क्रैचेस नहीं है। दैट्स व्हाई आई ट्रस्ट लव दिस पीस ऑफ ज्वेलरी। ये ओवरऑल जब मैंने ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहन करके अपने आप को रेडी किया ना नवरात्रि के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। मेरी हैंड की ज्वेलरी पीस आप कह सकते हो, आई जस्ट फेल इन लव विद दिस। अच्छा, तो इसको ना वापस आप जैसे निकालते हो ना वैसे ही इसको रख देना, क्योंकि क्या होगा ना कि इसमें जो बाकी की ज्वेलरी के साथ आप रखोगे तो हो सकता है कि इसमें स्क्रैचेस पड़ जाएं, तो आपको इसी तरीके से इस ज्वेलरी को रखना है टू कीप इट सेफ। नेक्स्ट आई गॉट दिस वन इज़ जस्ट आई कैची। ये सेम नहीं है जो मैंने मीशो से ऑर्डर करा था, ये उसका रिप्लिका कह सकते हो, बिल्कुल भी सेम नहीं है। आप उसमें देखो ज्वेलरी आप मैच कराओ, उसमें ये जो चांद बना हुआ है ना, इसमें भी डिज़ाइन था, इसमें डिज़ाइन नहीं है। यू कैन सी दिस इज़ बिल्कुल प्लेन, बट स्टिल दिस इज़ लुकिंग नाइस, सो आई केप्ट इट, क्योंकि मुझे इसका प्राइस के अकॉर्डिंग ये ठीक ही लगा जितना मैंने प्राइस पे करा, पर डिज़ाइन इसका ऑलमोस्ट सेम नहीं है, स्ट्रक्चर इसका सेम है। दिस विल अगेन लुक सो ब्यूटिफुल। ये बिल्कुल स्मॉल है, इफ़ यू कंपेयर विद दिस वन, दिस इज़ क्वाइट वेरेबल, डेली वेयर में आप इसे पहन सकते हो, कॉलेज या फिर आप ऑफिस गए तो भी आप इसे पेयर कर सकते हो इफ़ योर ऑफिस अलाउज दिस काइंड ऑफ जंक ज्वेलरी। नेक्स्ट आई गॉट दीज पेयर्स। तो ये इयररिंग एंड फिंगर रिंग का पेयर है, और ये मैंने जो मैंने पिछली वाली ज्वेलरी दिखाई ना उससे काफ़ी ज़्यादा मैच करती है, ठीक है। तो ये वाला पहले मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। आई जस्ट लव ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, आपको तो पता चल ही गया होगा अभी तक कि हाउ मच आई लव देम। जब से लड़कियों की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है ना, चेन स्नैचिंग इफ़ यू टॉक अबाउट अदर थिंग्स, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता वो सब। तो अब ना असली ओरिजिनल ज्वेलरीज तो पहनने का टाइम है नहीं, तो इसी तरीके की ज्वेलरी में हम अपनी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। एंड एनीवेज नवरात्रि में एक ऑक्सीडाइज ज्वेलरी एक्सेप्शनली बहुत अच्छा लगता है, तो इस तरीके से पहनना है। दिस वन इज़ लिटिल फिंगर, ये इस तरीके से जैसा कि पिक्चर में बना हुआ था, आई वॉर इट लाइक दिस एंड दिस इज़ लुकिंग फैबुलस। दिस इज़ नॉट ब्लैक, और क्वालिटी की बात करूँ तो दिस इज़ ऑसम। ये जो है फ्लेक्सिबल है, काफ़ी ईजिली ये मुड़ जाता है, बिल्कुल भी हर्ट नहीं करता अपनी हाथों को, और दिस इज़ सो गुड। मुझे इसमें जो घुंघरू है इसमें थोड़ा सा आवाज़ भी है एंड आई लव इट। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लाइट वेट है और इसका प्राइस इज़ जस्ट ऑसम। इससे मैचिंग मैंने मंगाया ईयर कफलिंग का सेट, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये जो है मैच कर रहा था इस वजह से मैंने मंगाया। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ये आपको ईयर के ऊपर लगाना है एंड दिस यू हैव टू वेयर इट लाइक दिस। आपको मैं वेयर करके बताती हूँ, ये कुछ इस तरीके से। तो ये चांद ये आपको बन गया, आई मीन दिस लुक्स सो गुड। अगर आप इसे पेयर करते हो साइड में साथ में तो दिस लुक्स सो ऑसम। जंक ज्वेलरी में भी हम इतनी सारी खुशियां जो है वो ढूंढ ही लेते हैं। इट इज़ लुकिंग गुड। मैंने ईयर कफलिंग्स कभी नहीं पहने एंड इतने रीजनेबल रेट में मुझे ये क्वालिटी मिल गई, आई रियली लव इट। इसे मैंने अच्छे तरीके से नहीं पहना बिकॉज मैंने जस्ट ऐसे ही इसे पहन लिया है एंड ये कंफर्टेबल है मुझे, क्योंकि इसका जो मेटल जो जिससे ये बना हुआ है ना, ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है, मुझे ये बिल्कुल भी चुभा नहीं, या फिर हैवी नहीं फील हो रहा या इरिटेट नहीं कर रहा। मेरे पास ये वाला भी कड़ा है, दिस इज़ ये मैंने अपने हाथों के हिसाब से इसका शेपलेस हो गया, बट स्टिल आई लव वेयरिंग दिस वन। ये थोड़ा सा गोल्ड टोन में था, गोल्ड ऑक्सीडाइज्ड टाइप। इसका जो मटेरियल है थोड़ा सा टफ है,
ये इसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट अनवेयरेबल है। मुझे इसका सेट जो है साथ में काफ़ी सही लगा। देखो ईयर रिंग भी कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। दिस लुक सो गुड एंड सो ऑसम एंड दिस इज़ मैचिंग वन एंड आई जस्ट लव इट। नेक्स्ट आई गॉट दिस ब्यूटिफुल स्पायरल वाला बैंगल फ्रॉम मीशो एट ₹30 बिकॉज आई डोंट रिमेंबर द प्राइस। तो ये वाला जो है कुछ इस तरीके से दिखता है एंड दिस लुक्स फैबुलस। इसमें जो है दो कलर अवेलेबल थे, एक दिस वन एंड अनदर वन इज सिल्वर, जो कि बेसिक होता है। सिल्वर स्पायरल वाला था ही मेरे पास ऑलरेडी, तो मुझको गोल्डन चाहिए था। अच्छा, मुझे देख करके लग रहा था ये काफ़ी ज़्यादा मोटे मोटे वाले स्पायरल होंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत आप देख सकते हो लाइक बहुत ही छोटा है, लाइक डेलिकेट टाइप ही दिखता है देखने से। ये बिल्कुल भी बहुत हैवी, बड़ा सा, ह्यूज सा, गंदा सा नहीं लगता। दिस इज़ सो गुड और वेरेबल है। आप इसको लाइक ऑफिस पार्टीज़ या लाइक वेस्टर्न आउटफिट के साथ भी आप इसे पेयर कर सकते हो। दिस इज़ दैट गुड। अच्छा, तो कलर और क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी इज़ सो गुड। एज यू कैन सी दिस इज़ सो फ्लेक्सिबल क्वालिटी। मुझे लगता है कि इसका कुछ दिनों में ना कलर जो है वो चला जाएगा, लेकिन कलर चलाए जाने के बाद भी ये सिल्वर बन जाएगा, ठीक है, तो भी मैं पहन सकती हूँ। थोड़ा सा लाइक पॉलिश इसका निकलने के बाद भी इसका एलिगेंस में ना कोई कमी नहीं आने वाली। दिस विल लुक एनी वेज बहुत अच्छा। इसमें जो छोटे छोटे ये होते हैं ना बीड्स वैसे लगे हुए हैं, दैट इज़ मेकिंग इट मोर फ्लेक्सिबल। अच्छा, तो इसको पहनूँ तो पहन के अगर आपको दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरीके से है। ये आप देखो, ये बहुत अच्छे तरीके से मेरे हाथों को हक करके एकदम उसी के हिसाब से ये हो गया। और इसमें आप चाहो तो साड़ी के साथ भी पेयर कर सकते हो, इसको सूट के साथ भी पेयर कर सकते हो, लाइक ट्रेडिशनल हैवी आपने पहना हो तो। पीछे इसमें कुंदन का सेट वगैरह ऐसा कुछ पहन के ट्राई करा तो भी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है। तो एनीवेज ये एक इन्वेस्टमेंट है मेरे लिए, आई थिंक। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और इसी से मिलता जुलता मैंने कुछ ये वाला कड़ा परचेज करा, ये वाला कपलिंग है। अच्छा, तो ये आज के ज्वेलरी का पार्ट नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये थोड़ा सा वेस्टर्न वाली ज्वेलरी है, पर इसे मैं इस नवरात्रि पहनने वाली हूँ, दैट्स वाई आई एम शोइंग दिस। ये जो है तार तार जैसा पतला पतला बना हुआ है ना, दिस इज़ गिविंग मी इल्यूजन ऑफ वेरी थिन वाला डेलिकेट बैंगल्स। इसके आगे पीछे मैं पेयर करके डेफिनेटली नवरात्रि में भी गोल्डन जो है लुक वो क्रिएट कर सकती हूँ। दिस इज़ अगेन सो गुड। हाथों का साइज़ ये शेप बहुत अच्छे तरीके से ले लेता है। अच्छा, इसमें तो मैं बताना चाहूँगी कि जो मटेरियल इसमें यूज़ हुआ है ना, इसे बहुत ईजीली इसको इसका शेप है वो चेंज नहीं कर सकते हो। दिस इज़ थोड़ा सा टफ वन, पर ये शेप ले लेता है, आप थोड़ा सा एफर्ट लगाओ तो। नाउअडेज आई जस्ट स्टार्टेड लविंग दिस ज्वेलरी पाउचेस टू स्टोर माई ज्वेलरी, ठीक है। इसी वाली ज्वेलरी पाउचेस जो होते हैं ना शॉपिंग वेबसाइट्स पे अलग दिखते हैं, डायमेंशंस अलग दिखते हैं, आते कुछ और है। तो ये वाला साइज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसा दिखा वैसा आया एंड क्वालिटी वाइज भी दिस इज़ जस्ट ऑसम। ये सामने से ट्रांसपेरेंट है एंड पीछे से ट्रांसल्यूसेंट, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जिप की भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लाइक बंद होने के बाद ये निकल नहीं जाता है। इसका लॉकिंग सिस्टम भी आप देख सकते हो, इसका लॉकिंग सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो पहले जो है ज्वेलरी ऑर्गेनाइजिंग में मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियोज़ बना रखे हैं, तो वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो, द हाउ आई स्टोर माई दिस ह्यूज ज्वेलरीज, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैं हैंग करके कुछ ज्वेलरीज रखती थी क्योंकि मुझे वो एक्सेस में भी चाहिए होते थे, और साथ ही हैंग करने से क्या होता है ना, लेयरिंग वाली जो ज्वेलरी होती है ना वो आपस में उलझती नहीं है, तो उस वजह से वो काफ़ी बहुत जल्दी एक्सेस में मिल जाता है। तो उसके साथ ना एक प्रॉब्लम हुई कि वो जो मेटेलिक वाला था उसमें ऑक्सीडाइज होकर के उसका कलर थोड़ा सा फेड हो रहा था, एंड धूल मिट्टी जम के जो मेरी थ्रेड वाली ज्वेलरीज थी वो भी ख़राब हो रही थी। तो आई जस्ट स्क्रॉलिंग डाउन एंड आई सॉ दीज काइंड ऑफ पाउचेस, तो सेट ऑफ 24 मैंने मंगाया एंड आई लिटरली स्टार्टेड यूजिंग इट Day 1, जस्ट जैसे ही आया ना मैंने अपनी विदाउट शोइंग यू मैंने एक शॉर्ट्स बनाया लाइक दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, उसके बाद ना मैंने इसको यूज़ कर डाला एंड आई जस्ट थैंक टू मीशो। मैं और भी इसके पाउचेस मंगाने वाली हूँ टू स्टोर माई ज्वेलरी क्योंकि क्वालिटी अच्छी है तो ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। हमें कभी भी ज्वेलरी हम परचेज करते हैं तो हमें जो है शॉपकीपर कहता है उनके दिए हुए ही बॉक्सेस में रखो और इस तरीके के पाउचेस में रखो, लाइक जो स्मॉल जो वो
ज्वेलरी के साथ आता है उसमें, ताकि ऑक्सीडाइज ना हो। कपड़ों के या वेलवेट के या कागज़ के बिल्कुल भी बॉक्स में मत रखो, वुडन बॉक्स में, क्योंकि उसमें जो है ऑक्सीजन बहुत जल्दी जाती आती रहती है, तो वो ख़राब हो जाता है, लाइक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके के पाउचेस हमारे लिए मस्ट हो जाते हैं इफ़ वी आर फैन ऑफ जंक ज्वेलरी। इफ़ यू आर ऑल्सो फैन लाइक मी, तो इस तरीके के पाउचेस में ज़रूर इन्वेस्ट करना टू सेफ गार्ड योर लव ज्वेलरीज। तो ये वाले पाउचेस मुझे सच में बहुत ज़्यादा सही लगे, आपको भी अच्छे लगे तो कमेंट डाउन बिलो एंड ये ऑर्डर ज़रूर से कर लेना, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, दिस इज़ दीप्ति साइनिंग ऑफ, बाय बाय।